Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our mains answer writing practice. जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन मेकिंग इंडिया प्रोग्रेसिव एंड रेशनल. सो तो क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे राजा राम मोहन रॉय के, उसे हम लोगों को आज डिस्कस करना है. सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. मैं चाहूंगा कि आप खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखते रहो, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना खुद से इम्प्रूव करोगे. आज हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आज बताने वाला हूँ राजा राम मोहन राव के, ये वीडियो देखो, ये तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी. प्लस जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा दैट विल हेल्प इन यू इन प्रीलिम्स एज वेल, बिकॉज यूपीएससी इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स. जो प्रीलिम्स में सबके सिलेबस तो सेम ही है और सेम फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो मेंस राइटिंग में भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, प्लस प्रीलिम्स की जो भी फैक्ट्स है उसमें भी आपको ये कुछ मदद करेगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस कैसे करोगे आप ऐसे आंसर्स को, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन में दो ही चीज है, या तो डिफिनेशन या तो फैक्ट्स. जैसे कि मैंने अब राजा राम मोहन रॉय का तो कोई डिफिनेशन होगा नहीं, सिंपल है, तो यहाँ पर फैक्ट्स लिख दो उनके बारे में. जैसे मैंने लिखा हुआ है राजा राम मोहन रॉय ही वॉज पायनियर पायोनियर फिगर इन इंडियन रिनेसा. जो इंडियन रिनेसा थी उनके ये पायोनियर फिगर थे, और ये नो काफी ज्यादा जो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स हो गई या फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए या फिर एडुकेशनल रिफॉर्म्स हो गए, सब पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था. जो भी सुपरस्टिशंस थे इंडियन सोसाइटी में उसको हटाने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म्स इन्होंने काफी लाए थे. जो भी इल प्रैक्टिसेस थे सच सती चाइल्ड मैरिज या फिर जो सोशल डिविजन्स थे इंडियन सोसाइटी में, उन सब के खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाई थी. उनको हटाने, उनको इन सब को खत्म करने के लिए उन्होंने काफी ये किया था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है. इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. So, ये कुछ फैक्ट्स थे राजा राम मोहन रॉय के बारे में जिसको कि आप लिख करके स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर को. नाउ वी विल मूव टू द बॉडी दैट इज कंट्रीब्यूशंस. क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे राजा राम मोहन रॉय के इंडियन सोसाइटी में. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कंट्रीब्यूशंस. तो सबसे पहले इन्होंने जो सती थी, जो इनह्यूमन सती थी, सती में क्या होता था कि एक हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को उसके जो भी चिता जो थी जिसमें वो बर्न होते थे उसमें कूदना पड़ता था या उसमें उनके साथ बर्न होता था, तो ये ही हेल्प्ड वेरी मच इन एबोलिशन ऑफ सती. सती को खत्म करने में उन्होंने काफी ये किया. प्लस ही वाज अगेंस्ट एज पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज. ही डिड अ लॉट इन इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम. जो बाल विवाह हो रही थी उस टाइम पे इट वॉज वेरी कॉमन चाइल्ड मैरिज, और जो पर्दा सिस्टम थी उनको इन्होंने इरेडिकेट करने के लिए उसमें ये इन्होंने काफी ये किया. एडवोकेटेड विडो रिमेरेज एंड एडुकेशन ऑफ वुमेन. विडो रिमैरिज एंड एडुकेशन ऑफ वुमेन्स. वुमेन्स एडुकेशन भी इन्होंने काफी ज्यादा एडवोकेट किया, उसके लिए काफी ज्यादा हेल्प की. अपने कॉलेजेस में वुमेन्स के लिए इनकरेज किया कि आप आए पढ़े. विडो रिमैरिज पे दैट इज जो विधवा हो जाती है उनकी पुनर्विवाह पे इन्होंने काफी काम किया. राइट्स ऑफ वुमेन्स जो भी थी उनके लिए इन्होंने काफी आवाज उठाई, सो दैट्स वुमेन आर अवेयर एंड दे गेट देयर राइट्स. उनके खिलाफ ही काफी थे. अगेंस्ट दिस कास्ट डिविजन्स, कास्ट डिविजन्स को खत्म करना चाहते थे जो हिंदू सोसाइटी थी, जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें. तो ये सब कुछ इनके सोशल कंट्रीब्यूशन थे जिसके साथ ये थोड़ा रिफॉर्म करना चाह रहे थे कंट्री को. एंड उनके काफी एडुकेशनल रिफॉर्म्स भी, एडुकेशनल कंट्रीब्यूशन भी है.
फर्स्ट ऑफ ऑल एडुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए इन्होंने और रिफॉर्म लाने के लिए रिवर्सल रिवोल्यूशन लाने के लिए एडुकेशन सिस्टम में इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था 1817 में सॉरी he started hindu college in 1817 with help of david hare or along with you can say david hare along with david hare ke sath milkar inhone hindu college kholi thi 1817 mein aur is hindu college se kafi brilliant minds samne aaye aur humans ki jo rights wagera ki baat hoti thi wo humans bhi kafi hindu college se padh ke bahar aayi. So this was one of his major achievements. Second, उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल खोला था 1822 में. He opened an Anglo Vedic school in 1822, and he also opened an Vedanta college in 1826. Vedanta college in 1826. तो ये सब इनके कुछ रोल्स थे एडुकेशन को लेके हिंदू कॉलेज या एंग्लो वैदिक स्कूल या वेदांता कॉलेज. ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे आंसर्स में लिखने के लिए. नेक्स्ट अगर आप इनके कंट्रीब्यूशन के देखें तो इनके फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा थी. इन 1920 बोलता हूँ सुमित्रा जरा मोहन जी थे भी नहीं. 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को ओपन स्टार्ट किया. ये फॉर्म था ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज इन 1828. और जो ये समाज के जो ब्रह्मोस थे ब्रह्मो समाज में जो ब्रह्मोस थे दे स्पेशली जो हैड नो फेथ इन आइडल वर्कशिप जो आइडल वर्कशिप थी उसके खिलाफ थी ये समाज. जो भी सुपरस्टिशंस चल रहे थे हिंदू सोसाइटी में उसके खिलाफ थी. प्लस दे वर अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जो कास्ट सिस्टम थी उसके अगेंस्ट थी ब्रह्मो समाज. ही लुक्ड बैक टू अ ट्रेडिशन इन सर्च ऑफ मोनोथिज्म. सो मोनोथिज्म दैट इज वर्कशिप ऑफ वन गॉड और यू कैन से गॉड इज वन. जो गॉड के नाम पे वेरियस गॉड्स के नाम पे वेरियस कास्ट से वेरियस रिलीजन्स थे वो उनके खिलाफ थे. ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म दैट गॉड इज वन एक ही भगवान है और उन्हीं हमें करनी चाहिए. जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भगवान के बेसिस पे हम बैठे हुए वो हमें नहीं करना चाहिए. और जो एक प्रोटेस्टेंट अप्रोच लाया इन्होंने हिंदू सोसाइटी में जो प्रोटेस्टेंट अप्रोच लाया इन हिंदूज जो भी आप उसमें सुपरस्टिशंस थे हिंदू में तो ऑर्थोडॉक्सी थी उसके खिलाफ ही आवाज उठाने वाले काफी बड़े ये थे और उन्होंने काफी आवाज भी उठाया. ही स्ट्रेस्ड ऑन रेशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज. जो भी पे या फिर मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज पे इंस्टीड ऑफ ऑर्थोडॉक्स नॉलेज जो उसमें हो रही थी ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि अब इन्होंने प्लस जो भी वो है एंशियंट प्लस मॉडर्न दोनों की कंबिनेशन के साथ एडुकेशन सिस्टम को चलाने की बात कही थी. मतलब मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज भी रहनी चाहिए और जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो तो होनी चाहिए. तो दोनों की इन्होंने ये किया था और काफी जोर दिया था रेशनलिज्म मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज पे. और काफी ज्यादा इन्होंने एक्सप्रेस किया था अपने जो भी राइट्स पे जो भी राइट्स ऑफ वुमेन्स हो या राइट्स फॉर लोअर कास्ट्स हो उन पे कास्ट सिस्टम को तो खैर खिलाफ थे तो उस पे भी इन्होंने काफी ये किया था. तो ये सब कुछ फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशंस थे राममोहन रॉय के. जर्नलिज्म के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया था. ही वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सब ही वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सबको एक्सप्रेस करने की या स्पीच की वो राइट्स थी कि आप अपने एक्सप्रेशन को आगे रखो जो भी गलत हो रहा सोसाइटी में उसके खिलाफ बोलो. एंड ही फाउट वेरी मच फॉर राइट्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस. जो भी राइट्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस थी कुलर प्रेस उसके लिए उन्होंने काफी लड़ा. जो व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस जो प्रेस थी लोकल प्रेस न्यूज़पेपर्स इन लोकल लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. जो इंग्लिश को छोड़ के लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रेस थी दैट इज वर्नाकुलर प्रेस. यहाँ तक इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी लाई. सबसे पहला जो इनका न्यूज़पेपर था दैट इज मिरात उल अखबार सॉरी मिरात उल अखबार नॉट अखबार मिरात उल अखबार. ये जो थी एक पर्शियन न्यूज़पेपर थी
और सेकेंडली इन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर भी लाई थी, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर, और यू कैन से यूक्ली पब्लिकेशन, जिसका नाम था संबद संवाद कौमुदी। जो मिराकुल अखबार है इसका मतलब क्या होता है, मिरर ऑफ द न्यूज, और संवाद संवाद कौदुम्बी का मतलब क्या है, मून ऑन मून ऑफ इंटेलिजेंस, और ये किसमें थी, बंगाली में थी। तो ये जो जर्नलिज्म के तहत ये जो न्यूज़पेपर्स थे इन्होंने लाई, वर्नाकुलर प्रेस के लिए काफी लड़ा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए काफी लड़ा, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। तो ये सब कुछ जो थे कंट्रीब्यूशन थे राजा राम मोहन रॉय के इंडियन सोसाइटी, और भी कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं एज पर यू। तो मैं चाहूंगा जो आपको और भी इनके कंट्रीब्यूशन लगे आप वो कमेंट करके बताएं, और अपने आंसर्स में भी लिखें। कमेंट करने से तो पहले आपकी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, और एक हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, इंटरेक्शन भी बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि आप क्या क्या सोच रहे हो, क्या पॉइंट सोच रहे हो, एंड यू विल रिमेंबर दोज पॉइंट्स फॉर लॉन्ग ऑल्सो। सो प्लीज डू कमेंट। सो अब तो बॉडी की बात हो गई, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आपकी बॉडी अच्छी तो ट्राई टू फिनिश द आंसर, कंक्लूड द आंसर इन ए सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, ही एंड हिज ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन अवेकनिंग इंडियन सोसाइटी टू द प्रेसिंग इशूज प्लेगिंग सोसाइटी एट दैट टाइम। जो भी इशूज थे उस टाइम सोसाइटी में, जैसे सती की बात हो गई, या फिर चाइल्ड मैरिज की बात हो गई, या फिर जो भी सुपरस्टिशंस थे सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम था, उन सब के खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाया, और इट हेल्प इन अवेकनिंग ऑफ इंडियन टुवर्ड्स दिस इश्यूज। तो एट दैट टाइम, ऐसे करके ऐसे आप सेंटेंस लिख के कंक्लूड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक सेंटेंस ही लिखो, जो कि आपको एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस लिखे वो आप लिख सकते हो एज पर यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल फिनिश। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा बदले में, सब कुछ आपके लिए फ्री है। जस्ट एक अगर ये चैनल ग्रो करता है तो आई विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और मैं और भी कोर्सेज सुनाऊंगा, काफी ज्यादा हेल्प करूंगा आपको, वो सब कुछ फ्री रहेगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स सो मच टू डू मोर सच थिंग्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।